ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, उसी को पढ़ेंगे। उसमें पहला टॉपिक है लाइट। लाइट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम अंधेरे में वस्तुओं को देखते हैं, या उस प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश जो है इससे रिलेटिव वस्तु दो प्रकार की होती है। प्रकाश से संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक होती है दीप्त वस्तुएं और एक होती है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती है, दीप्त मतलब चमकदार, ऐसी वस्तु जिसमें स्वयं की चमक हो, ऐसी वस्तु जो स्वयं चमकती हो उसे हम क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु। जैसे सूर्य क्या है, दीप्त वस्तु है। जुगनू क्या है, जुगनू जिसको हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं, भगजोगन है, वो भी क्या है, दीप्त है। अदीप्त वस्तु क्या है, जिसका स्वयं जो है प्रकाश नहीं है बल्कि वह दूसरे दीप्त वस्तुएं से क्या होती है, चमक उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो दीप्त वस्तुएं क्या किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हो, अदीप्त वस्तु जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है वो दीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकती है, ठीक है ना। अब जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा, ठीक है। दर्पण मतलब शीशा, कांच या स्टील हो जाएगा, ये सनमाइका भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सनमाइका या माइका लिख सकते हैं, प्लाई नहीं माइका। और इसका क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्रकाश हो गया, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण, तो पहला गुण में क्या लिखेंगे, यह सीधी रेखा में चलती है या सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, ये उसका गुण है, ठीक है ना। और प्रकाश कौन सी तरंग है, चुंबकीय, हाँ, तो लिखेंगे प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। अगला इसका तरंग है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 4900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 का घात माइनस 10 मीटर, ठीक है ना। और एक माइक्रोन बराबर 10 का घात माइनस 6 मीटर, इसको भी जानिए। चौथा नंबर, प्रकाश का, प्रकाश में या प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन का मतलब जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़ता है तो वो अपने माध्यम में लौट आता है, उसी तरह प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है, विचलित हो जाता है, उस प्रकाशीय घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। छठवां, प्रकाश वैद्युत इफेक्ट, प्रकाश में वैद्युत प्रभाव होता है, इसका मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। जब उच्च आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु के सरफेस पर डाला जाता है तो उसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। और अंतिम, इसका चाल कितना होता है निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल 10 का घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना।